तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनीस और आप देख रहे हैं अनीस फॉर यू। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। उससे पहले आप एक गाना सुन लीजिए। तो गाना कैसा लगा बताइएगा जरूर। दोस्तों हम बात करने वाले हैं, आपने एक एयरटेल ऐप का नाम सुना होगा, मैंने एयरटेल ऐप डाउनलोड करा, ठीक है। इंटरफेस आपको दिखा दे चलता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं, सारे कन्फ्यूजन दूर करना है और सब कुछ समझना है, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना है। इसलिए नहीं कि मैंने वीडियो बनाया है, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता है, इसलिए आपको देखना है कि आपके साथ ये एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, आपके साथ ये घटना नहीं हो। अब बेसिकली क्या है ये देखिए, एक एयरटेल ऐप है, ठीक है, और इसमें ना आपको एक सुविधा मिलता है, इसमें एक फीचर्स मिलता है कि आप किसी भी नंबर से इसमें साइन अप करके इसके डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसमें जो भी अपने पैसे लोड करे हैं उसके थ्रू आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं और स्कैन एंड पे कर सकते हैं, ऐड मनी कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें हैं, सेंड मनी कर सकते हैं। ये देखिए शायद से आपको दिख रहा होगा और लाइट उधर से ज़्यादा है, तो मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा यहाँ पे, देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, सारे काम हो रहे हैं। और यहाँ देखिए आपको केवाईसी का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैंने इसका केवाईसी भी अपडेट कर लिया, ठीक है। और इसमें दिक्कत देखिए क्या है, मेरे यहाँ पे 542 रुपये आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जब मैं कोई भी काम करने जा रहा हूँ, सपोज़ करिए जैसे मोबाइल रिचार्ज ही मैं करने जा रहा हूँ, ओके, अगर मोबाइल रिचार्ज करने जाता हूँ तो दिक्कत, यहाँ पे अपना एम पिन डालूँगा, एम पिन डालने के बाद आपको सीधे यहाँ पे बोल रहा है, ये देखिए, डेबिटेड फॉर दिस अकाउंट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। अभी दूसरा तरीका क्या होता है कि इसके कार्ड को लेके पेटीएम में, जेटा, मतलब जहाँ भी आप ऐड करने का चाहो, इस पैसे को आप ऐड कर सकते हो। तो जब आप पेटीएम में ऐड करने जाते हो तो यहाँ पे लिख रहा है कि दिस पेमेंट वाज डिक्लाइन बाय योर बैंक, मतलब इसका क्या है, पेटीएम बोल रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो आपका बैंक डिक्लाइन कर रहा है। और हमको भी समझना चाहिए, अभी ये बात समझते हैं, क्योंकि जब हम रिचार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे सीधे सीधे लिख रहा है कि डेबिटेड दिस अकाउंट इज़ नॉट अलाउड, मतलब आपके अकाउंट से पैसे कटे, यहाँ से अलाउड नहीं है, उसको बंद कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग मैंने एयरटेल को फ़ोन किया 198 पे, सिंपल, तो उन्होंने बताया कि आप 400 पे कॉल कर लीजिए। बेसिकली क्या है ना कि ये मेरा आइडिया का नंबर है, तो ऐसे में क्या करना था, मैंने फ़ोन करा तो उस पर बोला जा रहा है कि, और एक ऐसा अल्टर नंबर है जिससे आप आइडिया नहीं, मतलब एयरटेल छोड़ के आप कोई भी हैं तो आपसे बात हो जाएगा। बेसिकली ये मेरा एयरटेल पेमेंट्स बैंक नहीं है, ये एक बस एयरटेल मनी है जिसको मैंने मिनी केवाईसी करके और ले रखा, मिनी केवाईसी है। तो जैसे आप कॉल लगाइएगा उस नंबर पे तो आपको बोलेगा एम पिन दबाइए, मतलब एम पिन दबाइएगा तो बोलेगा ये आपका एम पिन वैलिड नहीं है, क्योंकि वो जो नंबर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक का है, और हम यहाँ पे एयरटेल मनी की बात कर रहे हैं, ना कि पेमेंट्स बैंक की बात कर रहे हैं। देन आप कॉन्टेक्ट कैसे करोगे एयरटेल वालों से, बस एक ही तरीका आपके पास बचता है, वो भी फेसबुक पे, मतलब वहाँ पे लिखा है कि ये लोग रिप्लाई तो इंस्टेंट करते हैं, हाँ इन्होंने रिप्लाई इंस्टेंट किया, मैंने स्क्रीनशॉट भी दिए, सारे रेजोल्यूशन बताए, और यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं क्या क्या बात हुआ मेरे इन लोगों से। तो ये भी मेरे को कोई रेजोल्यूशन नहीं दे पाए। उसके बाद मैंने 198 पे ही कॉल करा और उनसे पूछा कि भाई आखिर इसका रेजोल्यूशन कुछ तो होगा, वो बोलते हैं कि इसका रेजोल्यूशन कुछ भी हमारे पास नहीं है, आप या तो ऑफिस चले जाइए और नहीं तो आप मेल कर दीजिए अभी। और आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे 542 रुपये फंस गए। अभी एयरटेल का सीधे सीधे कहना ये है कि जाइए आधार कार्ड से केवाईसी कराइए और पेमेंट्स बैंक खोल लीजिए उसी नंबर पे, तो आपका जो है 452 रुपीज़ वो निकल जाएगा। मतलब पूरे बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये हमको फोर्स कर रहे हैं, हमको ही नहीं बहुत लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपको पेमेंट्स बैंक खोलना पड़ेगा। अभी बताइए आपका मन नहीं है तो कैसे पेमेंट्स बैंक खोलेंगे, ऐसा हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास 2-4 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप। तो मैंने ये देखिए अपने ग्रुप में बोला कि भाई अगर मेरे को ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, कोई इसका सोल्यूशन दे सकता है क्या, तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐसे निकल गए जिन्होंने बोले अरे यार मेरा तो 5K फंसा हुआ है, मेरा 2K फंसा हुआ है, मेरा 1K है, मेरा 400, मेरा 700, मेरा 800, इसका कोई रेजोल्यूशन ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ोनपे से इस चीज़ को लिंक कर लीजिए। फ़ोनपे ऐप में आप जाएगा तो एयरटेल मनी का वॉलेट जो है लिंक करने का ऑप्शन वहाँ पे आता है, तो मैंने लिंक करने का कोशिश करा तो लिंक तो हो गया, बट वहाँ पे देखिए केस हो रहा है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ।
लिंक करके, और मैं सोचा कि यहाँ से गोल्ड परचेस कर लेता हूँ, फिर गोल्ड को बेच दूंगा तो पैसे मिल जाएंगे। तो भाई मैंने गोल्ड परचेस करने गए तो यहाँ पे लिख रहा है कि डेबिटेड फॉर दिस अकाउंट इज़ नॉट अलाउड बाई एयरटेल मनी। आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ लगा दूंगा। तो सारे हमने हथकंडे अपना के देख लिए भाई, 542 रुपया तो आज गए स्टोर पे। इनको कम से कम रेटिंग दीजिए, समझिए, नहीं बोलते तो भी आप लोग समझ जाते हैं, तो जाके रेटिंग दीजिए और इनको बताइए कि आपसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है एयरटेल मनी के रिगार्ड। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका भी पैसा फंसा हुआ है वीडियो में कमेंट करिए। और एक होता है ना कि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, बस कुछ लोगों का साथ मिल जाए, हमको कुछ लोगों का साथ मिले तो शायद सबका पैसा निकलवा सकते हैं। एयरटेल को देना पड़ेगा पैसा, जाएंगे कहाँ, पैसा है मतलब रियल पैसा है तो फिर डरना क्या है। बहुत ज़्यादा भूख ली हम, समझ नहीं आया होगा, तो जाइए जाके कोई गाना सुन लीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे मस्त मस्त वीडियो बनवाने हैं। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक मार दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।